तरह से गाना आया, और लिरिक्स की बात करें किस तरह से लिरिक फाइनलाइज। मेरे ख्याल में एक्चुअली 3-4 महीने से हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो भी सॉन्ग्स या फिल्म्स आ रहे हैं उसमें मैं पब्लिक की रिएक्शन कहना चाहता हूँ कि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एन्जॉइंग द सॉन्ग्स जो बाहर आ रहे थे। काफ़ी गाने बस आ रहे थे जा रहे थे, रिक्रिएशंस बहुत हो रहे थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड वाई देर नो ओरिजिनल सॉन्ग्स कमिंग, और फाइनली तेरे मेरे इज़ अ ओरिजिनल फ्रेश कॉम्पोजिशन बाय अमाल एंड द लिरिक्स आर बाय रश्मि विराग। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड इट कम्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन इन अमिडस्ट ऑल द स्टफ दैट्स हैपनिंग टुडे। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा एक गाना आया है मेरे लिए एंड ऑल थ्री ऑफ अस। आई'ड लाइक अमल टू स्पीक समथिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड द लिरिक्स एंड हाउ ही यू नो केम टुगेदर विद दिस। बहुत बोला तुमने। बेसिकली मुझे लगता है कि एक सिंपल गाना बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया टुडे, एंड दैट इज़ बिन माई एफर्ट कि एक कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए दो लोगों के बीच में, वैसा गाना हो। इस फिल्म के हिसाब से व्हाट द सिचुएशन इज़ कि एक इंसान है और उनकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में वो खींचे हैं, एंड उसके कहीं एक बीच में एक इमोशन है कि मुझे अपने लोगों के साथ रहना है, मेरे फैमिली के साथ, मेरे वाइफ के साथ या विद माई किड, और वो काम की वजह से नहीं हो पा रहा, और ये हमारे सबकी लाइफ है। तो कहीं ना कहीं उस इमोशन को लाने की कोशिश थी, एंड उस ऐसे ऑनेस्ट इमोशन को ऑनेस्टली ला सकते हैं और बहुत ही सिंपल रखनी थी हर एक बात, विच आई थिंक विराग सर हैज डन अ ग्रेट जॉब लिरिकली, एंड मैंने सिर्फ कोशिश की एक सिंपल ऑनेस्ट मेलोडी बनाने की। एंड मैं खुश हूँ कि आप जो कह रहे हो अच्छे व्यूज़ है, एंड आई जस्ट होप एवरीवन कीप्स लविंग द सॉन्ग जैसे जा रहा है, इट्स गुड। लिरिक्स की बात करें तो कितने दिन लगे लिरिक्स फाइनलाइज करने, और जो तेरे मेरे जो टाइटल है ये कैसे आपने सोचा? देखो, आई टेल यू, व्हेन वी वर गोइंग टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग ना, ये जो लड़का है ये बहुत ही हम्बल और बहुत ही पीसफुल ऑफ अलॉट ऑफ ह्यूमिलिटी। एक्चुअली ये जो हुक लाइन है ना, ले जा मुझे साथ मेरे, मुझको नहीं रहना साथ मेरे, ये इसी की हुक लाइन है, इसी ने लिखी थी, एंड इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल हुक लाइन। सो वी वीव द एंटायर सॉन्ग अराउंड इट, यू नो। तो तेरे मेरे दरमियान अभी सिचुएशन हम लोग को दी गई थी कि एक फादर सन रिलेशनशिप पे गाना वर्क करना है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पे, हस्बैंड और उसके प्रोफेशन के रिलेशनशिप पे। सो वी हैड दिस वेरी लॉन्ग डिबेट कि द लिरिक्स हैव टू बी सो यूनिक दैट दे वर्क इन ऑल द थ्री सिचुएशंस। सो दिस इज हाउ दिस सॉन्ग वर्क्ड, और तेरे मेरे वॉज द ब्यूटिफुल ओपनिंग लाइन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू इंडिविजुअल्स देयर रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग। सो तेरे मेरे इज ऑब्वियसली इट साउंड्स गुड। जब जैसे आपने कहा कि इमोशन आपको जब ब्रीफ दिया गया था कि पूरे इमोशंस और रिलेशनशिप सेफ और बताया गया होता, तो अमाल की जब बात करें, उनके गानों की बात करें, तो मेलोडी सॉन्ग्स हो, इमोशंस हो, उनके सारे सॉन्ग हिट हैं। तो आपके लिए तो आसान रहा होगा ये अरमान, मतलब आप दोनों के सॉन्ग्स ही टुगेदर मुझे लगता है जब यानी ये काफ़ी बहुत ही एक हद तक बहुत अमेजिंग सिंगर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई है, बट जब भी हमारा एक कॉम्बिनेशन और कोलैबोरेशन साथ में आता है एंड विथ विराग सर भी, जैसे मैं रहूँ या ना रहूँ बोल दो ना ज़रा अब ये है, मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो मेलेडी है उसको सबसे ज़्यादा समझता ही है, एंड मेरे एक ट्यून की बहुत ऑनेस्ट आवाज़ अरमान है, तो वो जो फीलिंग्स मुझे एज अ कंपोजर एक मैं गाने में डालता हूँ उसे बाहर लाने का बेस्ट जरिया इज़ हिम, एंड आई थिंक ही डज अ ग्रेट जॉब इन दैट। देखो, आप जो ना कभी ट्यून, लिरिक्स, सिंगर, इन तीनों चीज़ों को अलग नहीं कर सकते। जैसा आजकल लोग है ना कि नहीं ये इधर ये रखते हैं उधर वो रखते हैं वो पैकेज, सो दैट डजंट वर्क, विच इज़ व्हाट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग हैज प्रूव्ड। यू नो, सिंगर, लिरिक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, जब तक तीनों की रूह इकट्ठे आके नहीं मिलेगी ना, तीनों एक तरीके से नहीं सोचेंगे, तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार नहीं रहेगा ना, तब तक एक यूनिक गाना, जिसे हम लोग एडवर्टाइजिंग की भाषा में यूनिक कंटेंट कहते हैं ना, वो यूनिक कंटेंट नहीं आएगा। इफ द इमोशंस बिटवीन द थ्री ऑफ अस आर करेक्ट, इफ द इमोशंस बिटवीन दीज टू ब्रदर्स आर करेक्ट, देन ओनली वी कैन वील बी एबल टू टच द ऑडियंसेस। जो आप कह रहे हो ना इतने कम टाइम में 5.5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन कैसे हो गया, ये सिर्फ सच्चाई की वजह से हुआ है, बहुत ही सच्चाई, बहुत ही मेहनत और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ये गाना बना है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा डरा हुआ था अमल के साथ काम करना एक और बार, क्योंकि जब भी इसके गाने होते हैं, जब भी मैं इसके गाने गाता हूँ फाइट होता है हम लोग का, एंड वो कहता है कि तू बकवास गाता है, ये लाइन फ्लॉप गाया है तूने, ऐसा अच्छा नहीं गाना है, मतलब
He makes me feel inadequate as a singer sometimes. यानी फुल क्लास ले लेते लेकिन बोलो। इस रिकॉर्डिंग के दौरान उसने मेरे को एक वर्ड भी नहीं कहा, ऐसे एक बार भी नहीं कहा कि ये गलत गाया है, ये सही नहीं गाया। ही केम टू द स्टूडियो, ही अप्रूव जो भी मैंने गाया था एक फ्लो में सब अप्रूव कर दिया। एंड ये एक ऐसा गाना है कि इसे पार्ट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, तो काफ़ी बार मतलब जब रिकॉर्डिंग्स के लिए जाते हैं हमें गाना पता नहीं होता है, लेकिन ये गाना मैंने बहुत टाइम तक ऑलरेडी मेरे सिस्टम के अंदर था, तो एक मेरा एक हिस्सा बन गया था। सो व्हेन आई वेंट इनटू द स्टूडियो मैंने एक फ्लो में पूरा गाना गाया एंड इस वजह से वो इमोशन भरा है इस गाने में। सो आई एम रियली ग्लैड कि वापस यू नो ये टीम वापस आई है एक साथ, आफ्टर मैं रहूँ या ना रहूँ एंड बोल दो ना ज़रा, एंड यू नो फिंगर्स क्रॉस आगे भी जो भी गाने आए इट वर्क्स इन द सेम वे। एक्चुअली सबसे टफेस्ट लैंग्वेज इंडिया में मलयालम है, वो थोड़ा सा एक टफ है, उनका ऐसा कुछ तो बीच में होता है वो समझ नहीं आता है। तो अगर मैं 40 मिनट्स में एक हिंदी गाना ख़त्म करते तो मेरे को 4 घंटे लगते मलयालम गाना ख़त्म करने के लिए, क्योंकि डिक्शन थोड़ा सा उनका टफ रहता है। और इसी साल मैंने डेब्यू किया है मलयालम सिनेमा में भी, मलयालम कन्नड़ा तेलुगू तमिल बंगाली गुजराती सब में गा चुका हूँ अभी मैं इस साल। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि म्यूज़िक का जो मतलब म्यूज़िक जो है उसकी बैरियर्स नहीं है लैंग्वेज के, तो वो कोई भी लैंग्वेज में यू नो पॉपुलर हो सकता है, लोगों से प्यार मिलता है उसका। और जो भी सिटी में मैं शहर में मैं अपना कॉन्सर्ट करता हूँ, मैं एक गाना तो उस शहर का या उस लैंग्वेज में गाता हूँ डेफिनेटली। जैसे अभी कहा था कि जब भी काम साथ साथ में काम करने की बात आती है तो आप काफ़ी समझते हैं, जैसे हमें जानते हैं कि उनकी व्यूज फैन फॉलोइंग है फीमेल में, तो कभी इस तरह से परेशानी होती है मतलब जब फैंस लेडीज फैन फॉलोइंग से कभी मेल में भी उतनी है एक्चुअली अगर देखा जाए सोशल मीडिया पे मेरा बोलते हैं कि 60% मेल और 40% फीमेल, तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैं वो तो जरूर नहीं, तो मैं कंफ्यूज आप क्या बताओ तो क्या आप मतलब वो जब आते हैं तो जैसे कितना समझते हैं मेल या फीमेल किधर के लोगों की बात करें। हाँ फीमेल फॉलोइंग होना मेरे लिए अच्छा है, इतनी फॉलोइंग है तो मेरे गाने के लिए अच्छा है कि अरमान की फॉलोइंग और ऑल द गर्ल्स विल लिसन टू द सॉन्ग, अच्छी बात है। हम 90s की बात करें, किशोर कुमार साहब की जब बात करें तो जैसे अभी लिरिक्स अलग, कंपोजर अलग, सिंगर अलग, उस टाइम पे इतना नहीं हुआ करता था, लाइक सिंगर ही लिख भी लेते थे कंपोज भी कर लेते थे। तो अब इस तरह के डिविजन जो डिवाइड हुए हैं अलग अलग, सिंगर अलग, नहीं उस टाइम पे भी सिंगर अलग कंपोजर है, इसमें क्या है कि अब क्या हो गया फिल्मों में कि अलग अलग कंपोजर्स हैं जो पहले नहीं होता था। पहले अगर एग्जांपल आरडी बर्मन साहब अगर एक फिल्म करते तो उस फिल्म के सारे गाने उनके होते, अभी क्या हो गया है एक फिल्म में अलग अलग म्यूजिक कंपोजर्स है, जैसे मिथुन सर का एक हो गया गाना, अमल का एक गाना हो गया, या आई डोंट नो एग्जांपल जस्ट समवन एल्सस सॉन्ग ऐसा हो गया। अभी एक सिंगर होता था पहले के सारे गाने गाते थे, हाँ वो भी अलग था, अब हो गया कि रोमांटिक अलग। आई थिंक ऐसा इट्स ओनली कि आप अच्छा कंटेंट डालोगे ना, इफ यू मेक अ गुड सॉन्ग वो कोई भी गाए, आज वो सीन नहीं है कि एक नाम चलता है या किसी, आज सिर्फ काम चल रहा है, अगर कोई अच्छी आवाज हो, कोई अच्छी राइटिंग हो, अच्छा गाना हो, वो एक्सेप्ट हो जाता है। 7-8 साल पहले When someone wanted to make a debut या कोशिश करनी थी, स्ट्रगल करना था, तब नाम बहुत ज़रूरी था। आज एक लेबल हो या प्रोडक्शन हाउस हो, डायरेक्टर हो, अगर किसी के पास एक अच्छी कंपोज, एक अच्छी कॉम्पोजिशन हो, अच्छे रिटन वर्ड्स हो, तो उनके साथ काम करने का मौका मिल जाता है जो शायद पहले नहीं था। इसलिए तो द होल डायमेंशन इज चेंज, आज इतने सिंगर्स है, इतने कंपोजर्स है, इतने राइटर्स है, एंड आई थिंक टैलेंटेड लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो मेरे को लगता है 80s और 90s से बेटर का दौर अब है। डेफिनेटली, क्योंकि अगर मैं अपने नेचुरल वॉइस में गाऊंगा तो फिर आई विल सूट एक्टर्स लाइक वरुण धवन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो एज के एक्टर्स। लेकिन इफ आई एम सिंगिंग सैफ अली खान के लिए एग्जांपल, सलमान भाई के लिए, या यू नो फॉर शाहरुख खान, सो आई विल हैव टू जो आवाज़ है उसे भारी करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तेरे मेरे ये नॉर्मली होता, तेरे मेरे दर में आए बातें अनकही, थोड़ा सा एक भारीपन आ जाता है वॉइस में जो करना पड़ता है फॉर सच एक्टर्स फॉर एज, बट वी डोंट वांट टू मेक देम फील यस। आई थिंक अच्छी बात है कि एक अनहर्ड और नई आवाज़, एक यू कैन नॉट, यू विल नॉट
फाइंड कि जो सिंगर्स हमेशा एक एक्टर की आवाज़ थे, आज वो वैसा नहीं चाहते. आज एक्टर्स भी खुद यही चाहते हैं, डायरेक्टर्स भी चाहते हैं कि एक न्यू वॉइस हो, बिकॉज इट चेंजेस द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑडियंस टुवर्ड्स दैट एक्टर. एक आवाज़ से आपके वो एक्टर की पर्सनैलिटी को एक अलग वाइब मिलती है. तो आई थिंक नए सिंगर विथ एन अ डिफरेंट फेस, यानी सैफ अली खान पे अरमान ग्याज एक नई आवाज़ भी हो, वो एक कॉन्ट्रास्ट जो है दैट हेल्प्स द सॉन्ग टू साउंड. वो हर एक गाने के रिलेटेड में मतलब हम चेंज करते रहते हैं. अगर कोई गाने को एक हस्की टोन होता है तो अमल टेल्स मी यू नो इसे थोड़ा सा एक हस्क के साथ गाओ. या सैफ अली खान के लिए लाइक यू सेड कि अभी मुझे गाना है ले जा मुझे तेरे मेरे, तो उसे भारी करके गाना पड़ेगा. सो ऐसे चीज़ें ऑलवेज कॉन्वर्जेशन होती रहती है विथ द कंपोजर. फाइटिंग काफ़ी होती है. नहीं नहीं बहुत ज़रूरी है, हम लोग लड़ते हैं, हम लोग सब लड़ते हैं. आई फाइट विथ हिम ऑल्सो, ही फाइट्स विद मी. वो जब तक नहीं होगा ना तो गाने के लिए अच्छा नहीं है. क्या दिक्कत. यूड लाइक टू सी मी बट आई डोंट नो इफ आई लाइक टू सी मी लाइक दैट. आई एम नॉट श्योर. मुझे अभी फिलहाल एक्टिंग के बारे में इतना कुछ मतलब ना नॉलेज है ना इतना एक्साइटमेंट है. आई रियली फील कि मैं एक अच्छे स्पेस में हूँ अभी, सिंगिंग के स्पेस में, एंड इसी को बरकरार रखना चाहता हूँ. प्रॉबेबली फ्यूचर में जब मुझे कोई कीड़ा जागे अंदर मेरे जो एक्टिंग करना चाहता है, आई विल डू इट. किशोर कुमार सॉन्ग व्हिच यू वांट टू रिक्रिएट. रिक्रिएट नहीं करना आपको. रिक्रिएट नहीं करना है लेकिन उसका कवर जरूर करूंगा. वो वर्ड अलग कर दो अभी. रिक्रिएट थोड़ा लोगों को अभी वो वर्ड हजम नहीं हो रहा है, लेकिन आई विल डू अ कवर ऑफ हमें तुमसे प्यार कितना इज माई फेवरेट सॉन्ग. मेरा सबसे फेवरेट गाना है वो. रिक्रिएट वर्ड से थोड़ा डर सा लगने लगा है. सीरियसली किधर भी रिक्रिएट वर्ड सुनते हैं ना वो थोड़ा मेरे फिर भी थोड़े आ रहे हैं. भाई आ तो रहे हैं. आ तो सबके रहे हैं. वो एक दौर है, इट्स अ फेज, हैपेंस एवरी टाइम. हर 4-5 इयर्स में एक चीज ऐसी आती है व्हिच यू हैव टू डू. सो आई थिंक इट्स वो एक रिडंडेंट हो जाती है एक वक्त के बाद. आई थिंक ओरिजिनल म्यूजिक सबके पास है, बहुत अच्छे कंपोजर्स भी है. Everyone can do an original good song, and with just vision directors or producers ko ho, to I think everyone can do a great job without remake.